Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today, we are going to start our lecture number 11 from your chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. And the topic is Uses of Compounds and Mixtures. So, beta, let's come to our topic. Uses of compounds and mixtures. यानी compounds और mixtures के uses के बारे में पढ़ना है. Daily life में हम compounds और mixtures के काफ़ी सारे uses हैं जो हम करते हैं. तो सबसे पहले है कि water. Water जो है एक जो है वो commonly use होने वाला जो है compound है जो घरों में आम use होता है, industries में use होता है, agricultures में भी use होता है. Without water तो हमारी life बिल्कुल impossible है, ठीक है. और ये क्या है, एक कंपाउंड है. और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक कंपाउंड है. और इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर बनती है, मिलकर जो है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स फूड मेकिंग प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया यानी कि फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और इसके अलावा ब्रेड मेकिंग में भी और जो है वो सोडा बॉटल्स की फिलिंग में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. और इसके बाद है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है कॉमनली यूज होने वाला. सोडियम जो है वो जो साल्ट है ये टेबल साल्ट है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड जो है इसमें सोडियम और क्लोरीन एटम का एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. जो लोग हैं वो इसको ज़्यादातर जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. फिशेज या पिकल्स यानी कि अचार को जो है सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा जो है ये खानों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका जो है वो नमकीन उनको बनाया जा सके, साल्टी फ्लेवर उनको दिया जा सके. और इसके साथ साथ जो है वो कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है उनकी प्रिपरेशन में. और उसके बाद आ जाता है, ये थे यूजेस कुछ कॉमन जो है वो कंपाउंड्स के. और उसके बाद हैं यूजेस हैं जो है मिक्सचर्स के, जिनमें सबसे पहले है शरबत. शरबत जो है वो एक मिक्सचर है जिसमें शुगर, वाटर और टेबल साल्ट और उसके अलावा लेमन जो है उनको मिक्सचर बनाकर शिकंजी जो बनाई जाती है, ठीक है, वो बनाया जाता है जो समर्स में बहुत ज़्यादा जो हॉट डेज होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है. और उसके अलावा जो है एक मिक्सचर होता है सैलड. सैलड में क्या होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स यानी कि अनियन, कैरेट, रेडिश, बीट, ककम्बर, टोमेटो एंड जो है वो कैबेज यूज़ किया जाता है और इनका सबको कंबाइन करके जो है वो एक मिक्सचर बनाया जाता है. इसके अलावा आइसक्रीम, आइसक्रीम भी एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क, शुगर और जो है वो फ्लेवर कोई ना कोई ऐड किया जाता है, ठीक है. और मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है वाटर का, फैट्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. और इसके अलावा है टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी कि जो जख्मों पर दवाई लगाई जाती है टिंक्चर, उसको जो है वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, आयोडीन और एल्कोहल का जो है वो मिक्सचर होता है. और इसको हम जर्म्स को किल करने के लिए अप्लाई करते हैं हमारे कट पर, जो हमारे जख्म लग जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो उसको अप्लाई किया जाता है ताकि जर्म्स को किल किया जा सके, ठीक है. और इसके अलावा बेटा आ जाता है, डू यू नो कि जो हमारा सी जो है उनका जो लार्जेस्ट जो है वो मिक्सचर है, वहाँ पर सी वाटर जो है वो एक मिक्सचर है. उसमें क्या होता है कि इनका जो 70% है अर्थ का जो वाटर कंटेन करता है वो सीज होते हैं और इनमें सोडियम क्लोराइड जो है यानी कि साल्ट जो है वो है, उसके अलावा और भी बहुत सारे साल्ट जो हैं वो मिलकर सी वाटर बना रहे होते हैं. तो वो क्या होता है, एक पूरा मिक्सचर होता है, ठीक है. यानी मिक्सचर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, सी वाटर्स हैं जिनमें साल्ट के मिक्सचर होते हैं. और इसके बाद बेटा कि एयर जो है हमारी, हमारी एयर भी गैसेस का मिक्सचर है. इसमें बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मिलकर जो है वो क्या बना रही हैं, एयर बना रही हैं. इसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा तादाद में, जो है 78% जो है हमारी एयर का कंटेंट है और 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है. और बाकी जितनी भी गैसेस हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम ये भी मौजूद होती हैं गैसेस में, ठीक है, एयर में. और ये सारी जो गैसेस हैं वो बाकी परसेंटेज जो हैं वो एयर में मौजूद होती हैं और बहुत सारी गैसेस भी मौजूद होती हैं. और इसके अलावा जो ये सारी गैसेस हैं वो सब की सब जो हैं इनकी आइडेंटी जो है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीचर्स होती हैं और इनको जो है अलग अलग जो है वो सेपरेट भी किया जा सकता है इनको, ठीक है. और इसके अलावा क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो वेपर पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और पोलन ग्रेन्स के अलावा इन गैसेस के जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इनमें, ठीक है. और इसके अलावा बेटा लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. अच्छा, अब ये टॉपिक भी है हमारा एक छोटा सा कि लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं हमारी
एयर में वो डिपेंड करते हैं कि हमारा जो एयर है उसमें 0.03 to 0.04% जो है हमारी एयर में जो क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस में, और इसके अलावा जो है वो यूज़ किया जाता है कि एयर का जो लेवल है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें मैन्युफैक्चर जो है मेंटेन रखने के लिए जो है उसको क्या किया जाता है, उसकी रेशो जो है उसके लिए प्लांट्स का ग्रो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचुरल मैनेजमेंट है वो इसी प्लांट्स के थ्रू ही जो है वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन्होंने गैसेस ड्यूरिंग जो रेस्पायरेशन है हम वो इवॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके अलावा वुड्स की बर्निंग के दौरान यानी कि कोल और ऑयल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लोर हो रही है, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद भी बढ़ती जा रही है, उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये था बेटा एक थोड़ा सा एयर के जो हमने एयर ऑफ इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस जो पढ़ा, तो उसमें गैसेस जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एयर में हमने उससे रिलेट कर दिया कि वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या उसका क्या लेवल है अब हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसके बाद बेटा एक और है, इसमें मेथड्स आ जाते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स, कि मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के जो हैं डिफरेंट जो हैं वो सेपरेशन मेथड्स यूज़ किया जाते हैं मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे ईजीएस्ट और फर्स्ट पॉइंट है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड जिसमें पेपर जो है फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है या फिर फिल्टर क्लॉथ यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से इम्प्योर सॉलिड्स जो हैं उनको सेपरेट कर लिया जाए हमारे जो हैं वो लिक्विड में से। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रोसेस में एक जो है वो फिल्टर पेपर लेकर उसको फनल में रख दिया जाता है और उस फनल को एक फ्लास्क के ऊपर रखा जाता है, उस फ्लास्क में उस फनल के ऊपर से फिर वाटर जो है हमारा इम्प्योर वाटर उसको जो है वो पास आउट करवाया जाता है। जब वो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर के नीचे जाता है तो नीचे जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, साफ़ पानी, और उसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो हैं। ठीक है, इस तरह से जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू हम वाटर को क्लीन कर लेते हैं, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, और इसके थ्रू यही हम प्रोसेस यूज़ करते हैं जो है वो टी के सेपरेशन के दौरान, यानी कि छलनी का इस्तेमाल करते हैं ना हम, छलनी से हम उसको छान कर जो है वो नीचे पानी जो है चाय सिर्फ निकाल लेते हैं और चाय की पत्ती जो है वो ऊपर छलनी पे ही रह जाती है। तो ये भी एक क्या है, फिल्ट्रेशन पेपर है, इसके ज़रिए से हम जो है मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक आपका यहीं तक था, आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जजाकल्ला।